हाँ तो आगे तुम लोग, तो मिलो इनसे। इनका नाम है श्री शुक्ला और इनका काम है इंस्टाग्राम पे चलना। हाँ सही सुना तुम लोगों ने, इनका काम है सिर्फ चलना। अब तुम लोग ये ना समझना कि इंस्टाग्राम पे चलती है, नहीं ये इंस्टाग्राम के वीडियो में चलती है जिससे इनकी वीडियो चलती है। समझ में आ रहा है? हाँ मुझे पता है कि तुम लोगों में से बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो मैं तुमको इनकी एक वीडियो दिखाता हूँ ताकि तुम आसानी समझ पाओ। ये देखो हाँ, तो जैसा कि तुमने देखा कि ये अपनी वीडियो में चल रही है और वैसे ही लगभग ये अपनी हर वीडियो में चलती है, और जब ये नहीं चलती तो इनकी वीडियो भी नहीं चलती, मतलब लाइक व्यू आना बंद हो जाते हैं, खत्म। अब मुझे नहीं पता कि इनको किस तरह की जनता ने अपने काबू में लिया है, पर फिर भी इंस्टाग्राम पे अपना गांड हिलाने या गुब्बारे दिखाने से अच्छा तो चलना ही है। हाँ तो हेलो वेलकम डॉक्टर सुजीत। तो भाई ये वीडियो सिर्फ 5 सेकंड की है और इसमें ये मैडम सिर्फ चल रही है जैसा कि तुमने देखा ही, पर जब मैंने इस वीडियो पे लाइक और व्यू देखा तो मेरे गांड फट के हाथ में आ गई, और ये एक्सपीरियंस मैं तुमको भी करवाना चाहता हूँ। अबे साले। तो भाई इस मैडम की ये वीडियो पे 22 मिलियन व्यू, 1.4 मिलियन लाइक्स और 8838 कमेंट है ये वीडियो बनाने तक। पर तुमको पता है शॉक्ड होने वाली बात क्या है कि ये मैडम ने लगभग अपने हर कमेंट का रिप्लाई दिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिप्लाई देना बुरी बात है, वो तो मैं भी देता हूँ, पर 8838 कमेंट का रिप्लाई देना बहुत ही बड़ी बात हो गई भाई। मतलब इतना टाइम है मैडम के पास, साला इनकी वीडियो देख कर तो झांटने लगता है कि इनके पास टाइम भी बचता होगा। पर जो भी है, इन सब चीजों में एक और बात सोचने वाली थी कि अगर किसी वीडियो पे 22 मिलियन व्यू और 1 मिलियन लाइक्स हैं तो उसमें सिर्फ 8000 कमेंट कैसे हो सकते हैं? समझ रहे हो? क्या मतलब फेक व्यू है? अरे भाई फेक व्यू और पेड व्यू में बहुत फर्क होता है। तो चलो देखते हैं कौन कितने पानी में है और शुरू करते हैं अपनी मजदूरी बिना किसी वॉकिंग के। अरे भाई एक वीडियो चलने से वायरल क्या हो गई, तो हर वीडियो में चलना जरूरी है क्या? नहीं नहीं भाई, इनकी लगभग हर वीडियो उठा के देख लो तुम, ये मैडम अपने हर वीडियो में चल रही होती हैं। चला मुझे तो डर है कि कहीं ये चलते चलते दिल्ली से चेन्नई ना पहुंच जाए बकचोद। अब तुम ये ना कहने लगना कि ऐसे कैसे यार, क्यों बकचोदी कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो भाई रुको जरा, अब मैं तुमको इनकी ऐसी ऐसी चलने वाली वीडियो दिखाऊंगा कि तुम्हारी गांड फट के हाथ में आ जाएगी। ये देखो हाँ देख रहे हो मैडम को, अभी भी चल रही है, अभी तो ये दिल्ली से गुड़गांव तक ही पहुंची है। अभी थोड़ी देर तुम और रुक जाओ, मैं तुमको चेन्नई तक दिखाऊंगा। और हाँ एक बात का डाउट भी है कि ये मैडम दिन रात चल रही है, कभी थकती नहीं है क्या? और चलो थकने की बात छोड़ो, ये रातों रात इनके कपड़े कैसे चेंज हो जाते हैं भाई? अरे मैडम बस करो भाई, साला आपको चलते हुए देख के मेरे पैर दुखने लगे हैं। नहीं यार, अगर इतना मैडम ने अपने लाइफ में सही से चल लिया होता ना तो अभी तक सबसे ज्यादा चलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास होता, और हाँ टट्टी रोकने का भी। मतलब इनकी एक वीडियो वायरल क्या हो गई, साला सेम एक ही जैसा वीडियो बना के हमारे दिमाग के गांड मार रही है। तो बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मतलब मुजरा तक तो ठीक था, पर ये क्या बकचोदी है, चलना कब से कंटेंट हो गया भाई? और मैडम के 1.2 मिलियन फॉलोवर्स है, और मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सिर्फ इनका चलना देखने के लिए इनको फॉलो किए हो? और अगर हाँ तो भोसडी वालों इनको भी फॉलो करो, क्योंकि इनसे ज्यादा तो कुछ चलता भी नहीं होगा। छह धिक्कार है तुम लोगों पे, गजब बेइज्जती है। देखो भाई अब ये मैडम सिर्फ चले ही जा रही है तो इनको चलने ही देते हैं, और जब तक ये चल रही है तब तक हम इनको देखते हैं, क्योंकि ये मैडम ने लड़कों के बारे में बहुत कुछ बोला है। तो आओ देखते हैं इन्होंने क्या हागा है अपने मुंह से। बहन अगर वो तुम्हें टाइम पर रिप्लाई नहीं कर रहा है तो उसे छोड़ दो, अगर वो तुम्हारे इमोशन की केयर नहीं कर रहा है तो भी उसे छोड़ दो, और अगर वो तुम्हारे रोने को ड्रामा कह रहा है तो उसे बिल्कुल छोड़ दो। समझ में? देखो भाई ये मैडम ज्ञान तो ऐसे पेल ले जैसे इन्होंने पूरा एक्सपीरियंस लेकर रखा है बहनचोद। नहीं भाई इनका नाम है रोही, और मैं इनसे भी सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि रूही इतना अच्छा नाम हो सकता था, पर रूही में ओ हटा के डब्लू लगा के रूही नाम की गांड मारना जरूरी था क्या? नहीं। तो फिर ऐसा किया ही क्यों माधर? बहन इफ यू वांट टू बी अ हॉट गर्ल देन बी अ हॉट गर्ल, लुक्स मैटर नहीं करते है, आपका माइंडसेट मैटर करता है। इफ यू थिंक यू आर अ हॉट गर्ल देन यू आर अ हॉट गर्ल हनी। हाँ जब लुक्स मैटर ही नहीं करते तो ये 5 रुपए का मेकअप, इटालियन झाड़ू वाली हेयर स्टाइल, कान में बाली के नाम पे पिन, और ये 7 रंगों का नेल पॉलिश, किया ही क्यों है, निकाल के फेंक दो ना इसको भी। नहीं यार तुम लोग मुझे बताओ कि कल को ये आके कह दे कि मैं दुनिया का सबसे हॉट पर्सन हूँ तो क्या तुम मानोगे? नहीं ना। चल ऐसे तो मैं भी अपने आपको जॉनी सिंस और अपनी वाली को मिया खलीफा समझता हूँ, पर सोचने से क्या होता है भाई, उसकी तरह स्टेमिना मेरे में थोड़े ना आ जाएगा सोचने से। तो कोई इन मैडम को बता दो कि इतनी मात्रा में बातें छोंकने से पहले एक बार सोचा जाता है। बेस्टी यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो क्यूट, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है जो तुम्हें हमेशा ये याद नहीं दिलाता कि तुम कितनी ब्यूटीफुल और कितनी क्यूट हो तो उसे छोड़ दो।
उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, वैसे भी गाइज आर लाइक गार्बेज। विनोद, ये गार्बेज का क्या मतलब होता है, जरा गूगल पर सर्च करके बता। ओके मालिक, अभी लीजिए। ओके गूगल, गार्बेज मीनिंग इन हिंदी। इन हिंदी दैट्स कूड़ा करकट। साला ये छिली हुई अंडी हमें कूड़ा करकट बोल रही है भाई। विनोद, मेरा बंदूक और बॉम्ब कहाँ रखा है मादर? नहीं भाई, दीदी का कहना है कि अगर कोई लड़का आपको आपकी खूबसूरती का एहसास नहीं दिलाता तो उसको छोड़ दो। तो मैडम, जैसी आपकी शक्ल है तो इस हिसाब से आपकी तो अभी तक हाफ सेंचुरी हो गई होगी, क्योंकि इनको पहली नजर में देख के सिर्फ एक ही शब्द निकलता है मुंह से, छिला हुआ अंडा या आलू। बॉयज भी लाइक, लड़कियां तो पैरों से ब्रेक मारती है स्कूटी पे, पैरों से ब्रेक होते फिर भी पैरों से ब्रेक मारती है। तुझे क्या है? नहीं, तुझे क्या है? हाँ, मैं मारती हूँ पैरों से ब्रेक, ले। तुझे क्या? और मैं मारूंगी पैरों से ब्रेक, तुझे क्या? तेरे पैरों से ब्रेक मार रही हूँ, तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है भाई? तेरे से ब्रेक मैं की। अरे मैडम, पैरों से ब्रेक मारो, किसने रोका है आपको? लेकिन ब्रेक नाम की भी चीज होती है जो स्कूटी में लगा होता है, तो उसका भी कभी कभी यूज कर लिया करो, नहीं तो आपका तो पता नहीं पर सामने वाले की गांड जरूर फट जाएगी। और तुम लोगों को पता है कि ये मैडम लड़कों पर हमेशा भड़की हुई क्यों रहती है? ये वीडियो देखो एक बार। आई हैव वन क्वेश्चन, एम आई द ओनली वन जो इस गाने पे वीडियो बनाना चाहती हूँ, जो आजकल ट्रेंडिंग सा चल रहा है वो फिल्टर के साथ, है ना? बट द प्रॉब्लम इज आई कांट फाइंड द फकिंग फिल्टर मैन। और इतनी क्यूट क्यूट बॉयफ्रेंड के साथ लोग वीडियो बना रहे हैं, मेरे तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। चलो छोड़ो, क्योंकि इन मैडम के चक्कर में हम इन मैडम को तो भूल ही गए भाई, तो चलो इनको देखते हैं कि अभी भी चल रही है क्या ये। अरे यार, ये तो अभी भी चल रही है भाई, साला कोई इन मैडम को बताओ कि रुक जाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आप पृथ्वी से बाहर निकल जाओगी। अरे ओ सरदार खान, जा भाई, इसको पकड़ के लाने तो दुनिया खतरे में पड़ सकती है। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ तो गाइस, आज की मुद्रा यही खत्म करते हैं, और ये वीडियो सिर्फ एक मजाक थी तो मजाक की तरह ही लेना। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट में मुझे बताओ कि वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था, एक कमेंट करना ही तभी तो ये वीडियो चलेगी। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय। विनोद, एक काम कर, तू भी एक गधी को पाल ले ताकि हम उसको चला के उसके वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करके मिलियन पे फॉलोअर्स गेन कर पाएं।